365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा लॉकडाउन के 53वें दिन भी बजरा में जरूरतमंद लोगों के बीच में भोजन का वितरण किया गया। राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा कि यदि लॉकडाउन का चौथा स्टेज भी आता है तो मैं इस कार्य को निष्ठा के साथ जरूरतमंद लोगों के बीच में भोजन का वितरण करता रहूंगा। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से विकास सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा शक्ति ने ये ठाना है घर घर तक जाकर सभी को लॉकडाउन में खाना खिलाना है, क्योंकि लॉकडाउन का चौथा स्टेज भी अब बहुत जल्द चालू हो जाएगा और इसका लॉकडाउन में लोग कोई भूखे नहीं रहे, इसका आज बीड़ा उठाते हुए विगत लॉकडाउन के पहले दिन से ही राष्ट्रीय युवा शक्ति ने ये जो बीड़ा उठाया लोगों को खाना खिलाने का, ये एक अपने आप में सराहनीय है। और राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष है उत्तम यादव जी, इनसे जानेंगे कि कब तक लॉकडाउन अगर बढ़ता है, 4 लॉकडाउन का चरम अगर बढ़ता है तो क्या उसमें भी ये खाना खिलाएंगे लोगों को? देखिए, राष्ट्रीय युवा शक्ति का गठन ही इसी विषय को लेकर हुआ था, चाहे वो शहीदों का सम्मान हो, चाहे कोई भूखा ना रहे, शहर का कोई ऐसा मामला हो तो राष्ट्रीय युवा शक्ति हर एक मामला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आज पूरा हिंदुस्तान एक है, देश के डॉक्टर, देश की नर्स बहनें, एम्बुलेंस के ड्राइवर, पुलिस प्रशासन के लोग, सफाई कर्मचारी, हर लोग अपने हिसाब से लगे हुए हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है एक भारतीय होने के नाते कि भाई ऐसे जरूरतमंद लोगों को जरूरतमंद जगहों पर जा जा कर आतू रोड में हम लोग चौक पर सुबह और रात में और शहर में विभिन्न जगहों पर हम लोग कई टीम निकलकर जगह जगह लोगों के बीच में हम लोग भोजन कराने का ये प्रयास निरंतर करते जा रहे हैं।